नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी 21 जून 2020 को लगने वाला है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का टाइमिंग क्या होगा, सूतक काल कब लगेगा, इसके अलावा यह कहां कहां दिखाई देगा और गर्भवती महिला को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ग्रहण से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद मुझे विश्वास है कि आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आपके घर में बच्चा है और जानना चाहते हैं कि क्या ग्रहण का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और आप बच्चों को कैसे ग्रहण से बचा सकते हैं, तो इसके लिए आप मेरा दूसरा चैनल बेबी एंड चाइल्ड केयर देख सकते हैं और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं ग्रहण का समय क्या होगा। ग्रहण का समय जानने से पहले आप लोगों को सूतक का समय जानना जरूरी है। सूतक का मतलब होता है कि इसमें आप कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं, शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो सूतक में आपको कोई भी नया काम, शुभ काम नहीं करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो समथिंग 12 घंटे पहले लग जाता है। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण रविवार को लगने वाला है और इसका सूतक काल शनिवार को रात 10:20 से लग जाएगा। और दोस्तों, ग्रहण के समय की बात करें तो उन ग्रहण लग जाएगा सुबह 10:31 से और समाप्त होगा दोपहर 2:04 पर। मैंने कई जगह देखा है तो टाइमिंग यही है और थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना। दोस्तों, अगर बात करें कि ग्रहण कितनी देर तक रहेगा तो ग्रहण 3:25 तक लगने वाला है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि ग्रहण इससे ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आप 3:25 मान के चल सकते हैं। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ग्रहण आपका कहाँ का दिखाई देगा। तो इंडिया में दिखाई देगा ही, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में दिखाई देगा, चीन में भी दिखाई देगा। कुल मिला के यह ग्रहण ज़्यादातर एशियाई देशों पर दिखाई देगा। इसके अलावा यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ जगहों पर दिखाई दे सकते हैं। यदि भारत की बात करें तो भारत में देहरादून, सिरसा तथा टिहरी कुछ प्रसिद्ध शहर हैं जहां पर वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, चेन्नई, शिमला, रियाद, अबू धाबी, कराची, बैंकॉक तथा काठमांडू आदि कुछ प्रसिद्ध शहर हैं जहां से आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आपको ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, कैसे सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों देखिए, वैसे तो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनके गर्भ में एक बच्चा होता है। गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, मतलब ये कि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, एक बात कही जाती है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारे धर्म में ये मान्यता है कि बड़े, बूढ़े, बच्चे, बीमार और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारी छूट है कि वो ग्रहण के दौरान भी खा पी सकते हैं और लोगों को नहीं खाना होता, ठीक है। लेकिन गर्भवती महिलाएं खा सकती हैं, लेकिन खा कैसे सकती हैं, सावधानी के साथ, कुछ उपाय के साथ। क्या उपाय करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। दोस्तों, पुराने ज़माने की बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो कि आज के समय में केवल एक अंधविश्वास के तौर पर लिया जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हम आज भी मानते हैं, उसमें एक ग्रहण भी है। बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग ग्रहण को केवल एक भौगोलिक घटना मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ग्रहण को सीरियसली लेते हैं और इसके जो भी नियम कानून होते हैं उसका पूरा पालन करते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप अंधविश्वासी बन जाओ, आप सब कुछ फॉलो करो और जो नहीं करना चाहिए वो भी फॉलो करो। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आप कुछ चीज़ें मत मानो, आपको जो करना है वो करो। वैसे तो आपको जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों चीज़ें वैज्ञानिक भी मानते हैं, जैसे कि ग्रहण काल के दौरान जो है वातावरण में अंधकार छा जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत सारे सूक्ष्म कीटाणु, विषाणु, जीवाणु जो है वातावरण में फैल जाते हैं और फैलने के बाद वो बहुत सारी चीज़ों को दूषित कर सकते हैं, खास तौर से खाना को। इसी वजह से ग्रहण काल के दौरान खाने के लिए मना किया जाता है, कहीं वो खाना खा के कोई बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए मना किया जाता है। और यह तो अब हमारा साइंस कह रहा है, लेकिन हमारे भारत में इस चीज़ की खोज बहुत पहले हो चुकी है, इसलिए कहा जाता होगा। इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, विज्ञान है, इसलिए कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका उपाय भी हमारे भारतीयों ने खोज लिया है, वो क्या है, वो है तुलसी का पत्ता।
तुलसी का पत्ता क्यों? क्योंकि तुलसी के पत्ते में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, बहुत ही गुणकारी होता है और वो इतना गुणकारी होता है यदि आप उसे अपने खाने में रख लेते हो, भोजन में रखते हो या फिर पीने के पानी में रख देते हो तो कोई भी कीटाणु विषाणु जो है आपके खाने को प्रभावित नहीं करता, ना ही आपके पीने के पानी को प्रभावित करता है। इस वजह से ही कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते को रख देना चाहिए। तो उपाय भी मिल गया आपको दोस्तों। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को छुरी का, चाकू का, कैंची का, पेन पेंसिल का, सुई धागों का या फिर किसी भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उनके बच्चे को हानि पहुँच सकती है। दोस्तों देखो ऐसा है ना कि बहुत सारी महिलाएं बात मानती नहीं हैं, तो शायद पुराने ज़माने में ना इसीलिए इस बात को कहा गया होगा कि बच्चे के अंग कट सकते हैं क्योंकि इस भय से शायद वो कोई नुकीली चीज़ ना छुए। क्योंकि देखिए आज के समय में लाइट की व्यवस्था है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, लाइट की व्यवस्था होती नहीं थी और अगर कोई महिला अंधकार में छुरी का, चाकू का या फिर किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करती है तो उससे उनके हाथों में चोट लग सकती है, हाथ कट सकता है या फिर किसी प्रकार का भी जख्म हो सकता है, इस वजह से कहा जाता होगा। तो इसका मेन कारण ये होता है, ना कि बच्चे के अंग कट जाएंगे ये होता होगा, लेकिन धीरे धीरे करके मान्यता बन गई है और आज ये एक अंधविश्वास है। लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं, तो आप भी इस चीज़ को मान सकते हैं और ग्रहण के दौरान जो है आप नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको सब्जी बनानी है तो उससे पहले उसे काटना होता है, जो कि चाकू और छुरी से काटना होता है, इसीलिए ग्रहण के दौरान खाना नहीं बनाया जाता। आपको करना क्या है, ग्रहण से पहले खाना बना लीजिए, खाना बना के खा लीजिए। नहीं खा रहे हैं आपको ग्रहण के दौरान ही खाना है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और आराम से आप ग्रहण के दौरान भी खा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और बीमार खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आप खाना खाना ना चाहें, हो सकता है कि वो दूषित हो गया हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पानी तो पियेंगे ही, इसके अलावा आप जूस ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, कोई सा फ्रूट ले लीजिए, तो आप इन चीज़ों को भी खा के अपना टाइम गुजार सकते हैं। 2-4 घंटे की बात होती है, बहुत लंबा समय नहीं होता, तो आप ग्रहण लगने से पहले खाना खा लीजिए और जब आपको भूख लगे तो आप फ्रूट्स वगैरह खा लीजिए, आप जूस वगैरह पी लीजिए। इसके अलावा एक बात का ध्यान और रखिए, कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान जो आप खाना खाते हैं उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसालेदार भोजन नहीं होना चाहिए क्योंकि इस समय जो है आपका पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है, इसीलिए आपको बहुत ही सादा खाना खाना होता है, तो आप बहुत ही सिंपल और सादा खाना बना के ही खाएं। दोस्तों ये तो खाने की बात हो गई, पीने का पानी का आपको पता ही है, ग्रहण लगने से पहले ही पीने के पानी में आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और उसको ग्रहण के दौरान पी लीजिए। दोस्तों एक बात का ध्यान और रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने घर के सारे सामानों में तुलसी के पत्ते डाल दो, जैसे कि दाल रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, बिस्किट रखा हुआ है, नमकीन रखा हुआ है, चिप्स रखा हुआ है या फिर जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं सब में डाल दें, ऐसा नहीं करना है, केवल खाना जो आप खाने वाले उसमें ही रखना है, ठीक है। दोस्तों ग्रहण के दौरान मना किया जाता है कि हम अपने घर के देवी देवताओं को नहीं छू सकते हैं, भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं, मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप जानते होंगे कि हम अग्नि को भी देव मानते हैं, यानी कि इस समय पूजा नहीं की जाती है, इसलिए चूल्हा छूने के लिए मना किया जाता होगा क्योंकि अग्नि भी एक देव है और हम ग्रहण के दौरान उनको परेशान नहीं कर सकते, इस वजह से मना किया जाता होगा। और दोस्तों इसके अलावा एक कारण और हो सकता है, पुराने ज़माने में जो चूल्हा वगैरह होता था वो घर के बाहर ही होता था, गांव वगैरह में अभी भी खाना घर के बाहर ही बनता है, चूल्हा पे बनता है, जो कि हमारे गांव में भी बनता है, गैस का चूल्हा है लेकिन नॉर्मली खाना मिट्टी वाले चूल्हे पे ही बनता है जो कि नॉर्मली कमरे से बाहर होता है। उसमें होता क्या है कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वातावरण में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएँ प्रवेश कर जाती हैं, बहुत सारे जीवाणु विषाणु कीटाणु वातावरण में फैल जाते हैं, वातावरण बिल्कुल चेंज हो जाता है जो कि गर्भवती महिला को प्रभावित कर सकता है, बीमार कर सकता है, इसीलिए मना किया जाता होगा कि महिलाएं चूल्हा ना जलाएं। तो एक ही कारण हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन आज के समय में क्या है, घर के अंदर ही सब कुछ होता है, घर के अंदर ही हम खाना पीना बनाते हैं, हमारे यहाँ माना जाता है कि ग्रहण काल के दौरान चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, तो ना जलाएं तो ठीक है, जलाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें जो हैं इस समय मुझे बकवास लगती हैं, जैसे कि इस समय गर्भवती महिलाओं को केवल खड़े होकर चलना चाहिए, कुछ लोगों का कहना होता है कि गर्भवती महिलाओं को हाथ पैर नहीं मोड़ने चाहिए, पैर सीधा करके हाथ सीधा करके बैठना चाहिए, तो ऐसा कैसे संभव है कि कोई इतनी देर तक हाथ पैर सीधा करके बैठ जाएगा या इतनी देर खड़े रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती हूँ, जिन चीज़ों को कर सकते हैं उन चीज़ों को ही कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, आपकी मर्जी है, आपके घर का जो भी नियम है आप पालन कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेकार की चीज़ें हैं, इनको पालन नहीं करना चाहिए, परेशान हो जाएंगे और नहीं कर पाएंगे।
तो इन चीज़ों का फॉलो ना करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि सबसे ज़रूरी है, वो ये कि आपको ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना, यहाँ तक कि आपको ग्रहण के दौरान घर से बाहर भी नहीं जाना। और यदि आपका रूम ऐसा है जिसमें कि ग्रहण की रोशनी आ सकती है, किरण आ सकती है, तो आपको ऐसे रूम में भी नहीं जाना या फिर पर्दे डाल दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका कि बाथरूम कमरे से बाहर होता है, घर से बाहर होता है। नॉर्मली गांव में ज़्यादा ऐसा होता है कि रूम अलग होता है और जो बाथरूम होता है वो बिल्कुल कमरे से दूर बनाते हैं, पता नहीं क्यों बनाते हैं, लेकिन जहाँ पे एंट्री करते हैं ना उसके जस्ट बगल में बनाते हैं ताकि वो बिल्कुल घर से अलग रहे। तो ऐसी महिलाएं क्या करें? और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, तो वो क्या करें? अब ऐसा तो नहीं 3-4 घंटे यूरिन रोक लेंगी, और रोक भी लेंगी तो वो भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए भी कुछ उपाय है, वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों इस समय एक बात और कही जाती है कि महिलाओं को जो है सुई धागों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इसके पीछे मेन कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे मेन कारण हो सकता है ग्रहण का अंधकार, क्योंकि ग्रहण के दौरान अंधकार हो जाता है। पुराने ज़माने में लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, तो महिलाओं को आँखों पर बहुत ज़्यादा जोर लगा के सुई में धागे को डालना पड़ता, जिस वजह से कि उनकी आँखों पर जोर पड़ सकता है। वैसे गर्भवती महिलाएं कमज़ोर होती हैं, तो हो सकता है कि उनकी आँखों पर कोई प्रभाव पड़ जाए, उनकी आँखों पर जोर पड़े, दर्द हो जाए, तो शायद इसीलिए मना किया जाता होगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप ग्रहण के दौरान सुई धागों का इस्तेमाल ना करें, किसी प्रकार की सिलाई ना करें। दोस्तों कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो देखिए पुराने ज़माने में यात्रा जो है खुले में करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आप कार में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, या फिर आप ट्रेन में जा सकते हो। तो ग्रहण के दौरान यदि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, या फिर आप बस में बैठे हैं, या फिर आप अपने कार में बैठे हैं, तो मेरे हिसाब से आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इमरजेंसी ना हो तो आप ना ही करो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें मान लेना चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों इसके अलावा कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान आपको मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर के कपाट बंद कर देना चाहिए। वैसे भी जितने भी मंदिर होते हैं सभी के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, सभी मंदिर को बंद कर दिया जाता है, और ग्रहण के दौरान जो है पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं किया जाता, पूजा पाठ वर्जित होता है। तो आपको इस समय पूजा पाठ वगैरह नहीं करना है, मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है मंत्रों का जाप। कहा जाता है कि इस समय गर्भवती महिला को या फिर जितने भी लोग हैं जो ग्रहण को मानते हैं, उन सभी को अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए। इसके अलावा मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके आसपास जो है सकारात्मक ऊर्जाएं फैलती हैं, जिससे कि ग्रहण का प्रभाव आप पे नहीं पड़ता। तो आप चाहें तो आप ये काम कर सकती हैं। दोस्तों ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें होती हैं, और बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ की अलग अलग नियम होता है। तो आपके यहाँ क्या नियम है आप उसको देख लीजिएगा, अपने घर में पूछ लीजिएगा। आखिर नॉर्मली आपको इन्हीं चीज़ों का पालन करना होता है। आप चाहते हैं कि आप पे ग्रहण का प्रभाव ना पड़े, तो इसके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि पहला मैंने आपको बता दिया, मंत्रों का जाप करें। इससे जो है बहुत सारी ऊर्जावान तरंगे उत्पन्न होती हैं, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, जो कि आपको ग्रहण के प्रभाव से बचाती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हो। दूसरा दोस्तों ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान आपको अच्छा सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों की सेवा करना चाहिए। तो इस समय आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं, उनसे बातचीत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे कीजिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं यदि अपने पास कच्चा नारियल रखती हैं, तो इससे भी ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। तो कुछ महिलाओं को कमेंट आता है कि नारियल अपने आंचल में बांध के रखना है, या फिर अपने गोद में रखना है, आपको जैसे भी रखना है आप रखो, लेकिन अपने साथ एक नारियल रखो। और दोस्तों मेरे पास एक कमेंट और आता है कि नारियल का क्या करना है, आप ग्रहण खत्म होने के बाद नारियल को दान कर दीजिए, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है किसे दान करना है, तो आप किसी पेड़ के नीचे जाके रख दीजिए। दोस्तों इसके अलावा गेरू आता, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, आपको नॉर्मली किसी भी पूजा पाठ वाले दुकान पे मिल जाएगा। तो आप गेरू ले आइए और उसको आप अपने पेट पे लेप लीजिए। गांव में बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती हैं, गेरू से अपने पेट को लेप लेती हैं। कहा जाता है कि गेरू बहुत पवित्र होता है, इससे जो है ग्रहण का प्रभाव बच्चे पे नहीं पड़ता, ना ही माँ पे पड़ता है। तो आप ये काम भी कर सकती हैं। अगर आपको मार्केट में ना मिले तो इसके लिए उपाय ये है कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस लिंक पे जाके खरीद सकते हैं। इस समय नॉर्मली कोई महिला सोती नहीं है, तो सोने का कोई उपाय बताना नहीं है मुझे। अगर आप सोते हो तो इस समय ना सोइए, ज़्यादा अच्छा होगा, दिन का समय है, वैसे भी ग्रहण है। और दोस्तों देखिए एक बात और जो मैंने आपको पहले बताया था कि जिन महिलाओं का बाथरूम घर से बाहर है वो क्या करे, तो आप अपने पास एक नारियल रखिए, या फिर आप अपने पेट पे गेरू लेप लीजिए। और उसके अलावा एक काम और करिए कि आप अपने शरीर को अच्छे से ढक लीजिए, मतलब कि आपके शरीर का कोई अंग दिखना नहीं चाहिए, और आप सूर्य ग्रहण को लगते हुए ना देखें। उसके बाद आप जाके यूरिन पास कर सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं। तो एक ये तरीका है। दोस्तों बात करते हैं कि ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए नॉर्मली कहा जाता है कि ग्रहण के बाद आपको घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए,
पूजा पाठ करना चाहिए, दान करना चाहिए, तो आप ये काम कीजिए। तो इसके अलावा मैंने सुना है कि यदि ग्रहण के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो इसका प्रभाव 108 दिनों तक आप पे रहता है। तो उसके लिए भी एक उपाय है कि आप ग्रहों को शांत करने के लिए पूजा पाठ करा सकते हैं, हवन वगैरह करा सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो आप किसी पंडित जी से बात करके दान वगैरह कर सकते हैं, हवन वगैरह करा सकते हैं। वैसे भी हवन वगैरह कराना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं। तो मैं भी आपसे ये कहूँगी कि जितना हो सके उतना ही करें, नहीं होता है मत करें, बस ऊपर वाले का नाम लें और सब उन पर छोड़ दीजिए। और दोस्तों कोई भी सवाल है, कोई भी दिमाग में बात चल रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।